भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में रिक्शा संघ प्रोग्राम से पहुंचे थे, उत्थे उन्होंने वालों लोगों को संबोधन किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे जननायक, हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। कुछ ऐसे भी मुसाफिर हैं खुद जिनके लिए सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिल भी तरसती है। आज ऐसे ही एक नायक, जन जन के प्रिय नायक, हमारे नेता माननीय श्री प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अमेरिका इंडिया फाउंडेशन लाइवलीहुड के डायरेक्टर हनुमंत रावत, बीएमसी के एमडी श्री विजय पांडे जी, और आज के इस समारोह के केंद्र बिंदु वे रिक्शा चालक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो आज अपनी रिक्शा के मालिक बनने जा रहे हैं, ऐसे 2100 रिक्शा चालक और उनके परिवारजन और प्यारे भाई और बहनों, ये सरकार एक के बाद एक कदम जिस प्रकार से उठा रही है और इतने कम समय में आज पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो वो इकोनॉमी हिंदुस्तान की है। आज पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है, बहुत बड़े बड़े माने जाने वाले देश भी मंदी के शिकार हो गए हैं, और ऐसे समय एक अकेला भारत ऐसा देश है न वो सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाया है लेकिन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हो, सब एक स्वर से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सभी अर्थज्ञाताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। जब ये बातें सुनते हैं तो मन को बहुत समाधान होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारे देश के गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना। हमारा लक्ष्य है नौजवान को रोजगार मिले। हमारा लक्ष्य है हमारी युवा पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ी रहे। हमारी कोशिश है कि देश का नौजवान नौकरी तराशने के लिए
दर दर ठोकरें खाएं, इस स्थिति से बाहर आकर के वो अपने पैरों पर खड़ा रह करके औरों को भी रोजगार देने की ताकत प्राप्त करें। और इसलिए हम जो कदम उठा रहे हैं वो सारे कदम देश के सामान्य मानवी के जीवन में अपने बलबूते पर आर्थिक विकास में भागीदार बनना, अपनी मेहनत से जो कमाए वो परिवार के जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम आए। और इसलिए एक के बाद एक कदम हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 40 साल पहले। और इसलिए राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय ये बातें बताई गई थी कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए, गरीबी हटाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है। और सरकार ने सारी बैंक अपने कब्जे में कर ली। 40 साल हो गए लेकिन इस देश के गरीब के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुले थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने एक बीड़ा उठाया कि क्यों न हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक का खाता क्यों न हो। अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में हिंदुस्तान का गरीब क्यों न हो। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का अभियान चला, बैंकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और आज देश में जिन लोगों के बैंक के खाते नहीं थे करीब करीब 20 करोड़ नए खाते खोले गए। सारी दुनिया को आश्चर्य हो रहा है कि कैसे संभव हुआ। और खाते खोलने थे, गरीब के खाते खोलने, तो हमने नियम बनाया था कि एक भी पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का खाता खोला जाएगा। उसके लिए जो खर्च होता है वो बैंक उसका भुगतान करेगा, एक भी नया पैसा देना नहीं था। लेकिन हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, इन गरीबों ने बैंक ने खाते खुलाए और छोटा मोटा रकम नहीं, 30,000 करोड़ रुपया जमा किया। 30,000 करोड़ रुपया, ये है हमारे देश के गरीब की ताकत। वो मूल्यों के लिए जीता है, उसूलों के लिए जीता है। और इसलिए मुफ्त में खाते खुलाने के बजाय 100 रुपया 200 रुपया जो है उसने बचत की। हमने एक मुद्रा योजना लाई। हमारे देश में जो छोटे छोटे लोग हैं, अखबार बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, बिस्किट बेचता हो, फूल बेचता हो, मंदिर के बाहर प्रसाद बेचता हो, धोबी हो, नाई हो, छोटे छोटे लोग, उन्होंने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि उनके कारोबार में अगर आगे बढ़ना है और पैसों की जरूरत पड़ी तो बैंक पैसे दे सकती है। उन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था।